अब ये जानते ही हैं कि एकम सनातन भारत दल ने एकजुट जम्मू जम्मू संभाग की राजनीतिक सशक्तिकरण की लड़ाई कई दशकों से लड़ा। आप ये जानते ही हैं कि एकजुट जम्मू जो अब राष्ट्रीय स्तर पर जाके एकम सनातन भारत दल बना, इसने उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देने का काम किया जो दिल्ली और कश्मीरी एस्टैब्लिशमेंट के बीच में थी और जिस अंडरस्टैंडिंग और कॉन्ट्रैक्ट के चलते जम्मू संभाग को एक सेकेंड ऑर्डर स्टेटस में रख दिया गया था, जम्मू संभाग को कश्मीर का एक गुलाम बना के रख दिया गया था, जम्मू संभाग को, जम्मू संभाग के 10 जिलों को कश्मीर की एक कॉलोनी मात्र बना के रख दिया गया था। 1947 से चला रहा वो कॉन्ट्रैक्ट जो स्टेट ऑफ इंडिया, भारत की राजसत्ता जिसे दिल्ली में केंद्रीय सरकार रिप्रेजेंट करती है और कश्मीर की खास तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, अंडरलाइन करके ये शब्द, मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ था, उस कॉन्ट्रैक्ट को ध्वस्त करने के लिए एकजुट जम्मू और एकम सनातन भारत दल ने कार्यक्रम उठाया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, एक पॉलिटिकल सेटअप में, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप नीतियों में परिवर्तन ला सकें। राजनीति के माध्यम के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है कि आप व्यवस्था में परिवर्तन ला सकें। उसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए, राजनीति में बदलाव लाने के लिए एकम सनातन भारत दल एक रीजनल, अब पैर इंडिया नेशनल आइडियोलॉजिकल वैचारिक विकल्प बनकर आपके सामने उभरा है। और आज जम्मू संभाग के लोगों की दिलों की वो आवाज कि हमें विकल्प चाहिए। कांग्रेस को बदला 2014 में, भाजपा आ गई, भाजपा ने त्रस्त कर दिया, कांग्रेस भाजपा दोनों का विकल्प चाहिए। उस विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल जम्मू संभाग और पूरे देश के लोगों के सामने है। जम्मू संभाग के लोगों से यह अट्ठहास किया जाता, मजाक उड़ाया जाता, सवाल पूछा जाता था कि तुम हमें वोट नहीं दोगे तो किसे दोगे। आप जानते हैं भाजपा ने लगातार यह कटाक्ष जम्मू संभाग के लोगों पर किया, तुम्हारा हम करें कुछ या ना करें तुम क्या करो, डेली वेजर्स हो, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबरर्स हो, कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट पे सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले लोग हो, एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज हो, हमारे वीडीसीज हो, वीडीजीसीज हो, एसपीओज हो, 10+2 लेक्चरर्स हो, पीएचई के डेली वेजर्स हो, पीडीडी के भी कुछ डेली वेजर्स हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एडहॉक तमाम कैटेगरीज के लोग हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारे कुक्स हों, जितने भी लोग हैं, जितने भी एडहॉक कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट पे हैं, उनसे भी ये मजाक किया जाता था कि तुम्हें रेगुलराइज नहीं करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम क्या करो, तुम्हें हमें वोट देने के अलावा क्या चाह। और जम्मू कश्मीर में सेंटर ऑफ पावर कश्मीर को बना, सब कुछ कश्मीर को सौंपना, डिलिमिटेशन भी एंटी जम्मू सेंसिस के आधार पर करवा के सत्ता की कमान बागडोर कश्मीर को सौंपना और फिर जम्मू में हंसना कि तुम क्या कर लोगे। आज उसी का जवाब देने के लिए हमने अपने कंधों पे ये जिम्मेवारी उठाई कि एक विकल्प बनाने का काम करेंगे। और जिस तरीके से समाज में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बन रही है, जिस तरीके से समाज के हजारों करोड़ों लोग अब दिन प्रतिदिन पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एक बहुत सशक्त राजनीतिक विकल्प के रूप में एकम सनातन भारत दल उभर के निकलेगा।